अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पसे आईना में मैं हूँ आपका मेज़बान गुलशन शेख। नाज़रीन, एक हिदायत नामा समझें, एक नोटिफिकेशन समझें, वो आया है, मुझे तो हंसी भी आ रही है उस पर, और के लोकल गवर्नमेंट्स, हुकूमत सिंध जिस चीज़ पे काबू नहीं पा रही, अब उस पर MPAs काबू पाएंगे। वो है जो आजकल हार्ड इशू बना हुआ है कि कुत्तों पे कैसे कंट्रोल करें, तो हम इस पे बात करेंगे। आज हमने स्टूडियो में दावत दी है अपोजिशन की रहनमा और फंक्शनली की रहनमा नुसरत सर आबासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ मैडम, मुझे तो एक ये सवाल करते हुए भी बहुत हंसी आ रही है कि सिंध असेंबली सेक्रेटरी ने एक हिदायत, एक लेटर जारी किया है कि अब कुत्तों को मॉनिटर और कंट्रोल MPAs करेंगे, जबकि लोकल गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं जो अरबों रुपए, मेरे ख्याल में अभी तो तकरीबन 4 अरब मंथली उनको जो है OZT शेयर मिलता है। लोकल गवर्नमेंट है, सिंध हुकूमत है, दूसरे इदारे हैं, अब वो सारे नाकाम हो गए, अब MPAs, लेकिन MPAs कैसे उनको मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे कुत्तों को, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि सिंध असेंबली सेक्रेटरी ने हिदायत जारी की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच गुलशन शेख साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया, इनवाइट किया। जैसे कि सवाल पूछते वक्त आपको हंसी आ रही थी, जवाब देते हुए मुझे रोना आ रहा है। आपको हंसी आ रही होगी, लाजमी है, आपके साथ साथ पूरी दुनिया हंस रही है, सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया में जब चैनल्स पे ये सिलसिला चला तो सारी दुनिया हम पे हंस रही है और मुझे रोना आ रहा है। वो इस तरह के अब जो लेजिस्लेटर है, जो अपने हलके के लाखों वोट लेकर असेंबली में आता है, इस किस लिए के कानून साजी, लेजिस्लेशन है ना, लेजिस्लेटर है ना, उसका काम दुनिया में यही है। अब आप लेजिस्लेशन करने के बजाय आपको हुक्मनामा मिल जाए कि भाई अब आपको कुत्ते पकड़ने हैं, मॉनिटर करना है जाकर अपने अपने हलके में, तो कितने हैं, कितने हैं काटने वाले, कितने काटने वाले हैं, कितने ऐसे हैं जो प्यार करने वाले हैं, कुत्ते सिर्फ काटते नहीं प्यार वाले, तो अब ये सारी चीजें इस तरह सिचुएशन ये हो गई है कि अब कानून इस लगता यूं है, मुझे फील हुआ कि लग रहा है, ये रहा है कि सिंध असेंबली ने कुछ ज्यादा ही कानून साजी कर दी है, कुछ ज्यादा ही कानून साजी हो गई। अब आप निकलें बाहर और आप एक्चुअल, तो ये शर्म का मकाम है सिंध गवर्नमेंट का, ये शर्म का मकाम है। ये जब नोटिफिकेशन निकला या कोर्ट से जब जजमेंट आई, तो उन तमाम चीजों पर हम और आप या किसी और को हंसने या शर्मिंदा नहीं, इसको शर्मिंदा का मकाम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के इदारे इतने अरसे से ये इसको ढील दी गई, मैं आपको बताऊं, इसको लिंगर ऑन किया गया इस मसले को। जब शुरू में ये, मैं पिछले साल की रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो तकरीबन 150,000 से ज्यादा केसेस डॉग बाइट्स के, आप मुझे बताइए कि इस तरह ये फिगर जब बढ़ता, ये बढ़ता चला गया, ये डिक्रीज नहीं हुआ, ये इंक्रीज हुआ है। इसमें लोकल गवर्नमेंट के इदारे का, सिंध गवर्नमेंट के तमाम इदारे, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब का मिला जुला ये एक इसकी गलती है, जिसकी बिना पर आज कराची में, कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, बच्ची अगर बाहर निकलती है किसी काम से, बच्चा निकलता है या चीज लेने जाता है, तो उसको जिस तरह कुत्ते भंभोड़ते हैं, तो सारी दुनिया में कहते हैं ये कैपिटल सिटी है कराची, जो पाकिस्तान का, जहां रात को कुत्तों के हवाले हो जाते, कुत्तों के हवाले, हम बच्चों को, वैसे हमारी बच्चियां यहां महफूज नहीं है, बच्चे महफूज नहीं है, वो जो दरिंदे जो हमें बच्चियों को उठाकर रेप करके मार देते हैं वो एक अलग, ये दूसरे दरिंदों के हमारे आगे बच्चों को डाल देना, तो ये एक्चुअली, तो आज हमने जब हमें ये नोटिफिकेशन मिला, तो मैं तो गूगल में सर्च कर रही थी कि कुत्तों को कैसे मॉनिटर करने के तरीके, जैसे हम हर चीज गूगल में जाके देखते हैं, या कोई ऐसा तरीका हो कि हम इनको पकड़ें या इनको मॉनिटर करें। ये बहुत शर्मिंदगी का मकाम है, ये इस तरह के, यानी दुनिया में देख रहे हैं कि कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा सूबा जिसकी असेंबली में इस तरह का नोटिफिकेशन, ये शायद तारीख में पहली बार हुआ है कि आप अपने इलाके के कुत्तों को मॉनिटर करें। लेकिन ये डोमेन भी नहीं है ना, ये डोमेन उसका नहीं है, वो लेजिस्लेशन करे, अपने हलके में जाए, वहां के लोगों के मसले मसाइल सुने, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब वो करे। अब ये चीज हमारे ऊपर बाउंड की गई है, लेकिन अब इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इस पर रिएक्शन नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। मैं आपको
बताऊं गुलशन साहब, जो जैसे आपने कहा अरबों रुपए जाते हैं, इसी तरह कुत्तों की नस्लबंदी करने के लिए इन्होंने धड़ाधड़ एक निकाला नोटिफिकेशन और कहा कि हमने इतने अरब रख दिए कुत्तों की नस्लबंदी। तो क्या आप या मैं, हमने कोई टीम देखी डिस्ट्रिक्ट वाइज म्युनिसिपल में कहीं के कोई कुत्तों को पकड़ कर उनकी नस्लबंदी करें? इस मामले पे इश्तिहारबाजी की जाती है ना, अगर वो इश्तिहारबाजी वाले ही पैसे इस पर लगा दिए जाएं तो आज इनको इस तरह के ना नोटिफिकेशन निकालने पड़े, ना ही आज बच्चों की लाशें उठाकर माँ बाप हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घूमें और उनको एम्बुलेंस तक ना मिले, ना एंटी रेबीज उनको वैक्सीन मिले। तो बहुत हॉरिबल कंडीशन है सारी दुनिया में, वाहिद सूबा सिंध बदनाम है कुत्तों की वजह से कि कुत्ते हद से ज्यादा उनकी तादाद है, ये सबसे ज्यादा हमारी बदनामी हो रही है। अच्छा मैडम, जैसे कुत्तों के मामले पे एक अदालती फैसला आया कि जिसके हदूद में कुत्ता काटेगा तो उसको मुअत्तल किया जाएगा, और एक फैसला सखर अदालत का भी आया, 3 जो है सिंध असेंबली के मेंबरान को मुअत्तल किया गया, आप भी उस असेंबली की ऐवान की मेंबर हैं, तो आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? देखिए जी, मैंने वही कहा कि ये जिनका काम है, खुदारा हमारी मौजूद अदलिया को जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले तो आप उनको मुअत्तल करें, ये एमपीए का उसकी उसमें आता ही नहीं है, उसकी डोमेन में आता ही नहीं है कि वो जाए और अपने हलके में जाकर कुत्तों की मॉनिटरिंग करे। ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, ये लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को क्यों नहीं करते हैं? आप उनको मुअत्तल करें, उनके सेक्रेटरी को मुअत्तल करें, वहां डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल गवर्नमेंट के बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको मुअत्तल, वहां तो कहीं जिक्र भी नहीं है। तो मौजूद अदलिया से रिक्वेस्ट है कि अगर सही जजमेंट देंगे ना तो उसके दूरस्थ असरात होते हैं, और गलत जजमेंट आ गई तो उसके फिर खुमियाजा भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें सारी दुनिया में हंसना हो रहा है हमारे ऊपर, हमारे पास हंस रहे हैं लोग कि ये किस तरह के अहकाम आ रहे हैं और किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए। अच्छा मैडम, हमने देखा है कि जैसे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आते हैं तो ऐसे समझो कि ऐसे एमपीएज एमएनएज के इलेक्शंस होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट के उसमें दिलचस्पी ली जाती है, ख़ास करके पॉलिटिकल लोग। तो आप क्या समझती हैं कि लोकल गवर्नमेंट में ये सारे इंसानी खिदमत के लिए शहरों को मॉडल तौर के बनाने के लिए, या जो बुनियादी काम है उनके लोकल गवर्नमेंट के, वो करने के लिए इतने परेशान होते हैं? आप सही कह रहे हैं। देखिए जी, नहीं वो करने के परेशानी होती ना, यकीन माने वो होती ना, तो शायद आज हम कहीं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से सिस्टम में कहीं अच्छा जगह पे बैठे होते। लेकिन बात ये है कि हमारे जैसे दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल सिटीज़ हो गए, या उनकी तरक्की का जो राज है ना गुलशन साहब, आपने भी देखा है, वो अपनी लोकल सिस्टम को मजबूत करते हैं। म्यूनिसिपल सिस्टम मजबूत होता है, गली कूचे के बंदे को जब आप नॉमिनेट करते हैं, वो म्यूनिसिपल के काउंसलर बनते हैं या वहाँ के चेयरमैन बनते हैं, तो देन नो उनको पता होता है कि मेरे मोहल्ले में किस चीज़ की ज़रूरत है, सड़क है, गली कूचा, पानी, हेल्थ, हॉस्पिटल्स, हर चीज़ उसको अपनी पता होता है। अब हमारे यहाँ मसला ये गुलशन साहब, मैं भी 13वां साल हो गया असेंबली में, मैंने देखा कि सिंध गवर्नमेंट जब से आई है पीपल्स पार्टी की, इन्होंने कोशिश ये की है कि वफाक से तो 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने राइट्स ले लिए, अच्छी बात है, हमने सपोर्ट किया, हम अभी भी साथ देते हैं कि होना चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद आपको राइट्स मिल गए, अब आपका काम है ना कि अब आप नीचे डिवॉल्व करें, अब आप उन तमाम पावर्स को नीचे जिले ताल के लेवल तक डिवॉल्व करें। बदकिस्मती ये है, ये जो आपने कहा ना कि इतनी दिलचस्पी क्यों होती है लोकल में, क्योंकि असल खाने पीने का सिलसिला वहीं होता है, एक मेयर, एक वहां का चेयरमैन, एक वहां का म्यूनिसिपल, वहां पर जितना फंड जाता है, जितना पैसा जाता है, वो इसीलिए आपने देखा है कि मिसालें कि कई एमपीएस इस्तीफा देकर मेयरशिप का आ जाते हैं, हाँ, इस्तीफा देकर चेयरमैन की उस पर आ जाते हैं, क्यों? उनको पता है कि वो बादशाह है वहां का, तो इस तरह फंड्स वहां आते हैं, फंड्स वो आपस में मिलजुल कर खाने का सिलसिला, वो बादशाह अवामी भलाई के लिए नहीं है कि वो वहां जाकर ये शौक में जाए कि मैं अवाम के मसले हल करूंगा, उसको पता है कि जो फंड्स आएंगे मेरे पास आएंगे, मैं फिर उन फंड्स में से अपना हिस्सा निकालकर बाकी अपने आकाओं को पहुंचाऊंगा। तो ये हमारी बदकिस्मती रही इतने सालों में, तभी तो आप देख रहे हैं कि लाड़काना जो पहले मशहूर हुआ करता था दुनिया में, लोग कहते थे कि ओ पाकिस्तान के बाद सूबा सिंध में लाड़काना, बेनजीर भुट्टो दफन है, जुल्फकार अली भुट्टो दफन है। आज लोग पूछते हैं बाहर मुल्कों में, अच्छा वो लाड़काना जहां पर
सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने के केसेस हैं। अच्छा वो लड़का ना जहां डायन भी 10 घर छोड़ती है, नहीं छोड़ती, तो इस तरह के वाक्यात से लोगों ये, की ये वो लड़का ना जहां एड्स ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा एड्स है सबसे ज्यादा, और वहां फिर बिलावल वहीं से जीता है, मतलब वहीं से फरियाल टालपुर साहबा है, नवाबशाह से सदर एक्स जरदारी, और वो सब गवर्नमेंट में बैठे हुए, जो पेचुआ साहबा हेल्थ मिनिस्टर नवाबशाह से, मतलब आपको तो अपने इलाकों को आइडियल बनाकर पेश करना चाहिए कि देखें हम जहां से बिलोंग करते हैं हमने कम से कम अपने इलाके बेहतर कर दिए। तो ये हालात हैं, इन हालात को बेहतर करने के लिए आवाम को बहुत ज्यादा शऊर आना चाहिए, आवाम को समझना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम इसी एक उस सिलसिले में चलते चले जाएंगे और इसी तरह कुत्तों के काटने के केसेस होंगे और हम जैसे MPs को उनके पीछे लगाया जाएगा। अच्छा सिंध हुकूमत ये तासर देती है कि हेल्थ के मामले में हमने अच्छे इकदाम किए हैं, SIUT का जिक्र करते हैं, दिल के अमराज की जो हॉस्पिटल है NICVD उसका जिक्र करते हैं, गंबट में जो भट्टी साहब ने बनाया है अस्पताल उसका जिक्र करते हैं, कहते हैं हेल्थ में दूसरे सूबों के निस्बतन हमने बेहतर काम किया है, क्या ये वाकई जो तासर दे रहे हैं सही है? अदा गुलशन देखें आप भी इस सूबे से, मैं भी इसी धरती में पैदा हुई और इसी इंशाल्लाह इसमें दफन होंगी। बात यह है कि NICVD अगर NICVD का नाम लेते हैं तो फिर उसके हवाले से मैं पूरे सिंध में देखूँ तो क्या सारे कराची से कश्मीर तक मेरी सारी सिंध की जो गरीब आवाम है क्या दिल के अमराज में है? क्या उनको सबको दिल का मर्ज है? उनको क्या और बीमारी, एड्स हो गई, कैंसर हो गया, इसकी जिल्द की बीमारियां हो गई, हेपेटाइटिस सी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पानी से जितनी बीमारियां, गंदा पानी मिला हम पी रहे हैं उससे। तो NICVD अब तो आप मेरे पास इस मोबाइल अगर इजाजत दे तो मैं आपको खोल के दिखाऊं जितनी करप्शन अब NICVD में हो गई, जिसका बिलावल जरदारी सारी दुनिया में कहते फिर रहे हैं, तो आप इसको ही बचा लेते, लेकिन उधर भी ये चले नहीं मान चले कुछ किसी हद तक हम कहते हैं कि चले ठीक है एक अच्छा इदारा हो गया। आप ले लें इसको SIUT को, SIUT के पीछे कौन है? अगर आप अपनी तरफ जी ये शख्सियत है ना, अगर आप चले जाएं गंबट तो कौन शख्सियत है? भट्टी साहब, ऐसा सिंध गवर्नमेंट अपना भी तो कोई इदारा ऐसा बनाकर दिखाए ना कि अच्छा चलें ठीक हो गए ये हो गए। इसके अलावा पूरे कराची से कश्मीर तक क्या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स नहीं है? क्या उन हॉस्पिटल्स में अरबों खरबों का हर साल मुराद अली शाह साहब जब बजट पेश करते हैं, इनसे पहले कायम अली शाह साहब जब बजट पेश करते थे तो सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था हेल्थ पे, इस बार हमने हेल्थ का बजट इतने % बढ़ा दिया। अच्छा अच्छा इस पे हम बात करते हैं और छोटा सा वक्फा लेते हैं इसी पे ही कि जो बजट तकरीर है वो 13 साल से आप एक फॉर्मेट नहीं देख रही, इस पे बात करेंगे हम चलें। नाज़रीन प्रोग्राम पसे आईना में वक्त हुआ एक छोटी ब्रेक का, वापस आते इसी पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम पसे आईना में, बातचीत के सिलसिले को हम जारी रखते हैं। हाँ मैडम बात कर रहे थे कि आप भी एक 13 साल से इसी जो है उसमें पार्लियामेंट में हैं और हम भी बहुत अरसे से इसकी कवरेज करते आ रहे हैं। वो जो बजट में CM तकरीर करता है, हम तो देखते आते हैं कि तकरीर में सिर्फ फिगर्स की चेंजिंग होती है, बाकी तो वो तकरीर में अल्फाज तो वो सेम होते जी। अब मैं आपको बताऊं, ये मैं नहीं कह रही, आप अगर कैसर बंगाली साहब का कोई एक स्टेटमेंट है जो मैं कोट कर रही हूँ, उन्होंने खुद ये कहा था कि जो बजट बनता है, बजट स्पीच की बात बाद में आ रही हूँ मैं, जो बजट बनता है ना, जो बुक्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मैं आपको बताती हूँ उसमें ADP. हाँ उसमें ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत जो स्कीम्स की पर और नीचे होती हुई, बस उसके अलावा कॉमा या फुल स्टॉप की चेंजिंग आती है, वो वैसा ही छपता है जैसा सालों से आप और हम देखते चले आ रहे हैं। हाँ सब तब्दीली आई है, ऐसी नहीं है शेख साहब, तब्दीली आई है। तब्दीली कैसे आई है? जब मैं पहली बार MPA बनी थी उस वक्त जब बजट हुआ पेश हो गया, जब हम अंदर गए देखा तो इतना बड़ा बैग था जो हम उठा नहीं सकते थे, हम खवातीन तो सवाल ही पैदा नहीं, इतना वजनी नहीं, वो बाद में उठा लेते थे वो बाद में, और कोई तो वहीं से छोड़ के चले जाते थे मेंबर, ज्यादातर छोड़ के और कई लेके जा रहे। उस वॉल्यूम का
जो कमी है वो यूं सुकरती 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 तीन बुक्स में आ गई, आ गई और यूएसबी में आ गई और एक पेन मिलना शुरू हो गया और प्रिंटिंग इतनी खूबसूरत, सारा पैसा प्रिंटिंग और उसकी, ये तब्दीली आई है अवाम की जिंदगियों में। उस बजट ने तब्दीली लाई। मैं इतने इतने बैग लेके जाऊं घर, इतनी मोटी मोटी किताबें लेके जाऊं घर, और मैं इस उसमें फखर में जाऊं कि ये किताबों में मेरी सिंध की गरीब अवाम का पैसा है, ये उनको मिलेगा। आप इल्जाम लगा रही हैं, तब्दीली आई है। पहले मरना नहीं चाहता था अवाम, अभी बेजार है, वो अभी मरना चाहता है, ये तब्दीली नजर नहीं आ रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पे भी आते हैं। लेकिन बजट के हवाले से अगर कहूं तो बड़ा बड़ा जुल्म हुआ है शेख साहब। आपने भी असेंबली कवर करते रहे, हम भी करते रहे, और साहब पढ़ते लिखते रहे आप इतने सालों का, अरबों 10,000 अरब का अगर हम एक तखमीना लगाएं कि ये क्या लगा, क्या आवाम को इससे कुछ फ़ायदा हुआ, तो बड़ा दुख होता है कि आज भी मेरी सिंध की माएँ हॉस्पिटल के बाहर बच्चे पैदा करें क्योंकि अंदर उसकी एंट्री बैन है। आज भी हमारी घरों में खुदा न खास्ता कोई मौतगी हो जाए हॉस्पिटल्स में, तो उनको घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस ना मिले। आज भी गधों गाड़ों पर अगर और रक्षाओं पर आपकी डेड बॉडी ले जाएं, तो इससे बड़ा क्या आपके लिए अलमिया होगा कि ये सिंध हुकूमत है, ये हेल्थ का बजट है, और ये हॉस्पिटल्स में आप जाएं तो आप इधर कराची के हॉस्पिटल में चले जाएं तो गरीब बेचारा आपको फोन करेगा कि हमें एंट्री नहीं मिल रही, ना हमें दवाइयां मिल रही। तो कराची से कश्मीर तक ताल के यूसी लेवल में हर जगह अगर मेरे पास डेली हॉस्पिटल्स के हवाले से 10 कॉलें आती है तो ऐसे दूसरों हर किसी के पास जाती है, तो वही हालात हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में दवाइयां नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं तो कई डॉक्टर वीजा पे गए हैं, और अगर हैं तो उनके जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि कई सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे जो हमारी अच्छा हुआ एहतजाज की बात की। काफी अरसे से टीचर्स बैठे हुए हैं सिंध असेंबली के बाहर। सिंध असेंबली की गेट रेड जोन है और यहाँ किसी भी उनको आने नहीं देते हैं। ये इतने दिनों से बैठे हुए हैं और धरना लगा के बैठे हुए हैं। तासर दिया जा रहा है कि खुद बिठाए हुए हैं, तासर दिया जा रहा है कि बैठे रहें, शफकत का हाथ है, या हकीकी ये है कि ये खुद एहतजाज कर रहे हैं और सिंध हुकूमत इनके पीछे इनका हाथ नहीं है। देखिए जी ये तो क्योंकि यहाँ इतना अरसा बैठना बिल्कुल क्योंकि हम भी 24वां दिन जो आज मैं गई तो उन्होंने मुझे बताया कि हम 24 दिन हो गए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शायद पहले प्रेस क्लब थे फिर यहाँ सिंध असेंबली के बाहर आकर बैठे हुए। देखिए जी रेड जोन तो अब ऐसा भी हुआ है कि हमने सीएम हाउस की तरफ जाते हुए देखा और कई गवर्नर हाउस की तरफ भी गए और कई लोगों ने गवर्नर हाउस के बाहर भी धरने लगाए, सीएम हाउस के बाहर भी धरने लगाए। तो रेड जोन तो है, लेकिन अगर धरना 24 दिन में दाखिल हो चुका है तो ये किसकी शर्मिंदगी, किसके लिए शर्मिंदगी का मकाम है? के लिए सिंध असेंबली की के आगे आज सारे मिनिस्टर गए, सारे एमपीएस गए, गवर्नमेंट साइड के गए, उनके लिए शर्मंदी का मकाम नहीं है कि हमारी माएँ बहनें बेटियां पीएचडी की हुई हैं, एमफिल किया हुआ है, एक क्रीम है जो पढ़ी लिखी आपके पास आई, आपके तालीमी निज़ाम को कहां से कहां पहुंचाया, एहसास नहीं हो रहा, आगे भी करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। आप किस जिद पर पड़े, मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने जजमेंट दिखाई जो हैदराबाद की जजमेंट है उसमें तो उन्होंने लिख दिया है कि इनको किसी हवाले से आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। 24 दिनों में एक दिन नहीं हुआ बिलावल जरदारी को कि इनके लिए वो कोई आवाज उठाएं। बिलावल जरदारी आप किस हवाले से सिंध हुकूमत पर रूल कर रहे हैं? आपको यहाँ की माओ बहनों बेटियों की वो सड़कों पर चादरें नहीं दिखती? वो उनको जिस तरह घसीटते हैं, धक्के देते हैं, उनकी बेहरमती करते हैं। एक छोटा मासूम बच्चा इन माओं के साथ बैठा हुआ रोड पर एहतजाज कर रहा है कि शायद यहां से बिलावल गुजरेगा, मुझ पर नजर पड़ेगी और हमारी माओ हमारे बापों के स्टील मिल के मुलाजमीन के दौरान तो ये कहते हैं कि हमारा जो नारा है बेरोजगार करना नहीं है, रोजगार देना है। शेख साहब यही तो चीज दुनिया को समझनी पड़ेगी कि आपको दूसरे सूबे या वफाक के मसाइल आपको अपनी प्रायोरिटी पे लगते हैं, अपने सूबे का मसला आपको प्रायोरिटी पे नहीं लगता। बिलावल को पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान तक चले गए, वहां का भी दुख दर्द है, होना चाहिए, हमारे हैं ना, हमारे मुल्क हैं।
लेकिन सबसे पहले आप अपने घर को ठीक करो ना। आपके घर में हर शोभा हाय जिंदगी तबाह बर्बाद है। यहां पर न टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, कहीं से भी आप उस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हों, वो किसी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते, सब चीखने चिल्लाने, यहां का किसान रो रहा है, हर तरह तबाही है। लेकिन बिलावल जरदारी को पंजाब में नजर आएंगे मसले, दूसरे उसमें नजर आएंगे, लेकिन यहां वो उसको अपने मसाइल नहीं देखते कि हाँ मेरे सिंध की न्याणियों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है और आप ही की पुलिस है। वो वफाक ने तो उसको ऑर्डर नहीं दिया कि इनको आप वाटर कैनन मशीनों से धोएं या उनको जलील करें। अच्छा मैडम, सिंध हुकूमत की तरफ भी आते हैं, थोड़ा चलते हैं वफाक की हुकूमत की पॉलिसीज पर। क्या आप वफाक की हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनसे मुत्तफिक हैं, क्योंकि आप वफाक में उनके इत्तेहादी हैं पीटीआई की, जो पीटीआई की हुकूमत है अभी वफाक में? देखिए शेख साहब, इत्तेहाद जीडीए ने पहले हुकूमतों से भी किया, इनके साथ भी हमारा इत्तेहाद, और इत्तेहाद हम इसलिए नहीं करते हैं, आपको पता है कि हम कोई उनके साथ कमिटमेंट करते हैं कि आपके साथ इत्तेहाद इस उस पर है, नहीं तो हम आपको आधे में छोड़कर चले जाएंगे, या फलां फलां चीज़ें आपने पूरी नहीं की तो हम आपके साथ। आपने देखा हमारे साथ क्या क्या हुआ, तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, आज तक जो ड्राफ्ट है हमने दिया कि हमारे ये मसले मसाइल हैं, हमारे जाती नहीं है, सिंध के मसले मसाइल हैं, जिसमें जजीरों का मसला था, जिसमें डोमिसाइल के मसाइल थे, यहाँ पर NFC का था, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं। उसमें हमने ये भी कहा कि सिंध हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ करती, कम अज़ कम वफाक अपने हिसाब से हमारे लोगों पर थोड़ा हाथ रखे, ताकि लोग जो वोट देकर अपने नुमाइंदों को भेजते हैं उनको कम अज़ कम अपने इलाकों में कुछ तो उनको सेफ़ और सिक्योर माहौल दें। लेकिन हुआ ये कि इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ वादे हैं, ये इन इस तरह की पॉलिसीज से हमें बिल्कुल इख्तलाफ रहा है, लेकिन हमने कभी भी दूसरी पार्टियों की तरह अल्टीमेटम नहीं दिया कि अगर आपने इतनी वजारतें नहीं दी, ये नहीं किया तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, जिसका रिजल्ट ये निकला कि आपने देखा कि हमने सेनेट के इलेक्शन में भी उनको वोट दिया, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारी एक सीट थी, हमारे 14 वोट थे, उन 14 वोटों की वजह से आपने देखा कि सारी पार्टियों ने अपोजिशन की माशाल्लाह अपनी पूरी सीटें निकाली। हाँ ये हुआ कि हमने कुर्बानी दी, हमारी इस कुर्बानी की वजह से पीपुल्स पार्टी जो दावा कर रही थी सरप्राइज का, हमने वो दावा उनका लादावा कर दिया और वो सीटें नहीं ले सके जो सीएम मुराद अली शाह कह रहे थे मैं सरप्राइज दूंगा, लेकिन हमने कुर्बानी दी। जीडीए कुर्बानियां देती आई है, सबको पता है, इस दफा भी दी, लेकिन इस मुल्क के बेहतर मफाद के लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ठीक है एक नई हुकूमत आई है, उसको टाइम दें, उसको जमहूरी एक सिलसिला पूरा करने दें। हाँ कुछ पॉलिसी से हमें इख्तलाफात आते हैं, जैसे हमने कई बार बोला कि NFC का शेयर नहीं मिलता, हम सिंध हुकूमत के साथ खड़े होते हैं असेंबली में। इसके अलावा जो भी जजीरों की बात आई, सबसे पहले मैंने रेजोल्यूशन जमा करवाया, ठीक है, और जितने भी सिंध से रिलेटेड जो भी मसाइल होते हैं हम उनके साथ खड़े होते हैं, सिंध के साथ खड़े होते हैं, लेकिन उनके साथ फिर इख्तलाफ हमारा चलता है वफाक के साथ। लेकिन यह है कि अब जो उनकी पॉलिसीज हैं, महंगाई सबसे, और चीजें तो चलें अपनी जगह पर वो करेंगे, लेकिन महंगाई के लिए मैं हर चैनल पर हर जगह कहती हूं कि इमरान खान साहब इस वक्त आप कोविड में हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपकी बेगम को भी, लेकिन आप, मुझे पता है कि आपको एहसास है, आप समझते हैं, लेकिन आपको इसको अपनी प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। लेकिन मैडम ये कैसा एहसास है कि अभी मिनी बजट लाने की तैयारियां की जा रही हैं और एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है जिसमें स्टेट बैंक को खुद मुख्तियार बनाया जा रहा है, नेपरा को अख्तियार दिया जा रहा है कि वो बिजली के जो कीमतें हैं वो खुद तय करें और खुद लगाएं। शेख साहब बिल्कुल कोई भी हुकूमत हो उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया जा सकता है, हम भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, जो पॉलिसीज गलत होंगी उस पर हम बाकायदा उनके साथ इख्तलाफ करेंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए एक अच्छी ऑपोजिशन का होना ज़रूरी है जी। लेकिन आप देख रहे हैं नेशनल असेंबली में जो PDM बनी है 11 जमातों की, अब उनमें से ये तो भाई बहनों का रिश्ता बना फिर टूटा, और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पूरी दुनिया हम पर हंस रही है कि ये किस तरह के आपस में रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा होता है। तो PDM का काम है ऑपोजिशन की पार्टियां बैठो असेंबली में बैठकर काउंटर करें, अपना ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, इन तमाम पॉलिसीज़ों पर बैठकर वहां बहस करें। उनका इल्जाम है PTI पे कि वो माइक तक बंद कर देते हैं, माइक तक जो है ना वो आवाज। शेख साहब आप और मैं गवाह हैं, जितना टाइम मेरे ख्याल में ये स्पीकर कौमी असेंबली के वहां की ऑपोजिशन के देते हैं, तो मेरा उस वक्त दिल चाहता है काश मैं वहां होती कि मुझे इतना टाइम मिलता है, यहां मुझे जिस तरह मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, हमारी ऑपोजिशन का यहां हशर है,
नेशनल असेंबली में नहीं, वो पूरा पूरा टाइम भी देते हैं, और ऑपोजिशन का यही वजह है कि वहां घंटे घंटे खड़े होकर नून लीग हो या पीपल्स पार्टी वाले हों, ये बाकायदा तकारीर करते हैं, अपना मौकफ रखते हैं, तो ये कहना उनका अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। अच्छा मैडम, वक्फे की तरफ चलते हैं, फिर आते हैं जो वफाक का रवैया है ना, उस पर बात करते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम पसे आई नाम में वक्त हुआ एक छोटी ब्रेक का, वापस आते हैं और इसी बातों के सिलसिलों को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम पसे आई नाम में। मैडम, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि वफाक सिंध हुकूमत का इल्ज़ाम है 31 अरब रुपए एनएफसी से नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो सुस्त रफ्तारी का शिकार है। दूसरा, जो अच्छी शहरत रखने वाले अफसरान हैं उनकी खिदमात वापस ले रहा है वफाक। तीसरा, जो 3 अस्पतालें हैं वो वापस रहा है। ऐसे महसूस हो रहा है कि वफाक का ऐसा रवैया है जैसे भारत का जो कश्मीर के साथ होता है, ऐसे ही वफाक का रवैया सिंध के साथ ऐसे नजर आ रहा है। शेख साहब, पहले तो आपने जो कहा कि वो 31 अरब एनएफसी के हवाले की बात आप कर रहे हैं, जो ड्यू शेयर चारों सूबों का जो हमें ब्रीफिंग दी गई थी और जो बताया गया, तो चारों सूबों का जो ड्यू शेयर है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। ठीक है, अब अगर कहीं पे कोई शेयर रहता है तो हम असेंबली में जब भी ये बात हुई तो हम हमेशा सिंध हुकूमत के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। सिंध के किसी भी मसले में कहीं भी वफाक कोई पे कोई भी पार्टी हो, हम इमरान खान हो या उनसे पहले जितनी भी पार्टियां थी या बीच में नून लीग की तो पीपल्स पार्टी थी, तो हमने हमेशा वफाक के साथ जब ऐसे मसाले तो साथ दिया। दूसरा, आपने कहा कि एक एनएफसी की बात की थी, दूसरा आपने हॉस्पिटल्स की, और तीसरी आपने बात कही अफसरान, जो अफसरान अच्छी शहरत रखने वाले। अब देखिए, अव्वल तो सिंध हुकूमत खुद अपने अफसरान जो ईमानदार अफसर होते हैं ना, ये आपको भी याद है मुझे भी याद है, पुलिस में ले लेते हैं, बशीर साहब थे सिंध बदर किया उनको, अब्बासी साहब भी शायद पसंद नहीं आए तो उनको भी सुबह बदर कर दिया गया, ऐसे बहुत से अफसरान हैं। आपको शिकारपुर के एक अफसर का याद है, रिजवान शायद कुछ नाम था, उन्होंने अगर कुछ सच बोला, उन्होंने कुछ हकायक बताने की कोशिश की वहां के सियासतदान के बारे में, तो उनके साथ क्या हुआ? एसएसपी। तो आप अपने अफसरों का जो हाल करते हैं वो सारी दुनिया को पता है कि आप उनको उनकी ईमानदारी को किस तरह मलियामेट कर उनको यहां से, मतलब अगर वो अपनी सीट पर बैठकर कुछ हक सच बोले तो बेहतर है कि उसको आप सुबह बदर कर देते हैं, आपके बस में और कुछ नहीं होता। तो ये चीज कहना कि अच्छे ऑफिसर्स को वफाक अपनी तरफ लेकर जा रही है, आप अपने अफसरों के पर हाथ, और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि सिंध हुकूमत में इंतजामी बहरान पैदा होगा। हाँ, इंतजामी बहरान तो आपने 13 सालों में पैदा किया है, मेरिट की जो आपने किलिंग की है सबको नहीं पता, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हाल किया है वो किसको नहीं पता, ये वो इदारा था जिस पर थोड़ा बहुत माँ बाप को और स्टूडेंट्स को एक था कि हाँ ये है जहां मेरिट की पासदारी होती है और यहां हमारा बच्चे को जो पढ़ के गया उसको मिलेगा। आपको पता है वो कौन से थे इसके पब्लिक सर्विस कमीशन के अभी कुछ अरसा पहले, जिन्होंने बाकायदा लिख कर दिया कि मुझ पर प्रेशर पड़ता था, सीएम हाउस से लिस्टें दी जाती थी कि ये लिस्टें जो हैं, आगा आगा रफी साहब, मुझे अभी नाम याद आ गया, उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया था आकर बाहर कि मुझ पर प्रेशर था इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया सीएम हाउस से कि इन इन लोगों को रखना है। ये खुदा का खौफ करें, अगर यहां मेरिट की किलिंग होगी जहां बच्चों को ये फील आए, आप खुद शेख साहब पता नहीं कि कौन सा इदारा है जहां जब तक आपका फोन नहीं जाए, आपकी सिफारिश नहीं जाए, आप लाखों रुपए पैसे ना दें तो आपका ना बच्चे का वहां एडमिशन होना है ना वो आपको आगे लेके जाएंगे। तो जब मेरिट की किलिंग आप खुद करते हैं, इदारों को तबाह बर्बाद आपने खुद किया है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि वफाक जो है, 3 हॉस्पिटल्स की जो आप बात करें इस पे मैं भी बिल्कुल चाहूंगी कि वो हमारे सिंध की हैं, हमारे सिंध के लोगों के हवाले से ही उनको करना चाहिए, सर्विस तो वो यहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको और मुझे पता है कि वो खुद हॉस्पिटल्स सिंध के इन हालात से भागते हैं, उनको पता है कि जो इदारा सिंध हुकूमत के हाथ में आ गया उसका समझे तबाह बर्बादी है। आपके आगे मैंने NICVD के बारे में बता दिया कि उसके मेरे फोन में अभी इतना कुछ पड़ा है, इतनी करप्शन हो चुकी है, तो इसीलिए वफाक शायद यही कोशिश कर रहा है कि अगर ये इदारे भी इस तरह खराब बर्बाद हो गए तो फिर। अच्छा मैडम, नुसरत सर अब्बासी एक बेबाक आवाज ऐवान में, माइक बंद हो फिर भी आवाज उसकी ऐवान में गूंजती है, सिंध के हुकूक के लिए बहुत बड़ा एक आवाज है। इस वक्त MQM पर 12 मई का इल्जाम है,
एमकेएम पर बल्दिया फैक्ट्री को जलाने का इल्जाम है, एमकेएम पर वुकला जो जिंदा जलाए गए थे वो इल्जाम है, आज नुसरत सहर अब्बासी उनके साथ बैठी, कैसा लग रहा है शेख साहब? देखें, एमकेएम के साथ नुसरत सहर अब्बासी नहीं बैठी, एमकेएम के साथ हर वक्त की हुकूमत बैठी, बैठ के हुकूमतें भी की। सबको पता है दहशतगर्दी हुई, सबको पता है कि उस गद्दार वतन, मैं इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करती, उस गद्दार वतन ने ऐसा नारा लगाया जो हमारे दिल तक चीर चुका था। तो अब इस वक्त जो एमकेएम है वो उनको कहती है कि हम उसको ला दावा कर चुके, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और ये एमकेएम पाकिस्तान कहलाई जाती है अपने आप को। तो अब जब वो खुद कहते हैं कि हमने उनसे अपना ताल्लुक तोड़ दिया है और हम अब एमकेएम पाकिस्तान है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जब अगर ये इस तरह की एमकेएम बन चुकी है, और वैसे भी आप एमकेएम की हालत देख लें, आप आएं असेंबली में और असेंबली से बाहर, उनके अंदर कितनी टूट फूट हो चुकी है, उनका कोई एक लीडर नहीं है। जिसके पीछे थे वो आज जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा है और किसी वक्त भी आप कुछ सुन सकते हैं। तो उसका जो हाल हो चुका है वो सारी दुनिया जान रही है कि किस तरह है। हम ऑपोजिशन में हैं, वो अपनी एक पार्टी है, जीडी अपनी है, पीटीआई अपनी है, हम एक ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। और अगर वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के सच्चे हैं और पाकिस्तान से, और याद रखिएगा अगर एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से भी ये फिर नारा लगेगा कि कराची और सिंध, तो नुसरत सहर अब्बासी शेख साहब आपके प्रोग्राम में कह रही है कि मैं बिल्कुल उनके सामने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाऊंगी। और मेरा मौकफ आपको पता है कि मैं हमेशा जब कराची कमेटी बनी या ऐसे किसी भी सिंध दुश्मन के फैसले आए थे जो कि पीटीआई की तरफ से भी आया था, तो मैंने फौरी तौर पर स्टेटमेंट दिया था कि मेरा इस कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कमेटी कराची को सिंध से अलग करे। हमारे लिए कराची से कश्मीर सिंध एक धरती माँ है, और मैं अमलन आपको इसके सबूत पेश कर सकती हूं और करती रहूंगी अपनी जिंदगी देकर। लेकिन जो लोग इस चीज को इस तरह करेंगे तो हम कभी भी उनके इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। सेनेट इलेक्शन के बाद जीडीए सिर्फ नाम की नहीं रह गई है, अंदरूनी इख्तलाफात नहीं है। देखिए, कौन सी पार्टी है शेख साहब, कौन सा घर है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अंदर इख्तलाफात ना हो? इट्स अ हेल्दी एक सिचुएशन होती है, ये हेल्दी इन्वायरमेंट होती है कि आपके अंदर इख्तलाफ आए, एक दूसरे के साथ आप एक्सचेंज करें, आप अपने, जरूरी नहीं है कि हर बात पे हाँ यस सर यस सर यस सर किया जाए। जहाँ इख्तलाफ होगा, जहाँ एक दूसरे की बातों को समझने के लिए, तो ये जीडीए में भी है। और जीडीए तो इल्हाक बना था एक इलेक्शन के लिए, आपको पता है जब इस तरह के अलायंसेस बनते हैं तो वो इलेक्शन के दौरान बनते हैं, ये बना था इलेक्शन के लिए। जीडीए के सारे रहनुमाओं ने पीर साहब पर एतमाद करते हुए कहा कि नहीं, हम जीडीए को कंटिन्यू करना चाहते हैं। पीर साहब ने कहा बिस्सौ बिस्मिल्ला, अब उनका एतमाद है पीर साहब पर, जितना अरसे जो जितने हद तक हमारे साथ कमिटेड रहता है बिस्मिल्ला, नहीं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल शुरू से है पीर साहब की सरबराई में, सरदुद्दीन शाह साहब की सरबराई में, मैं उसकी पुरानी वर्कर हूं। अगर जीडीए साथ चलता रहा तो वेल एंड गुड, नहीं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल इंशाल्लाह जिंदा रहेगी और अवाम के लिए उनके इश्यूज के लिए हमेशा साथ रहेगी। अच्छा मैडम, ये साल ऐसे नहीं नजर आ रहा है कि इत्तहादों के लिए बड़ा वजनी साल है, वहां आप पीडीएम को देखें कि इख्तलाफात का शिकार हो गई है, क्या ये इख्तलाफात सिर्फ इस्तीफाओं तक है या कोई अंदर कोई और मामलात भी हैं? शेख साहब, पीडीएम जब बनी थी तब ही मेरे ख्याल में आप जैसे एक्सपीरियंस शख्सियत ने उसी वक्त एक लिख दिया होगा ना जुमला कि ये पीडीएम आखिर तक नहीं चल सकती, क्योंकि इसमें जो दो जमातें हैं ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये कभी भी एक दूसरे के साथ सच्ची नहीं रही। आज आप अपने चैनल हमेशा टकराव, और इस कदर टकराव, इस हद तक जातियात पर के सड़कों पर घसीटना, पेट फाड़ के निकालना, और फिर उसके बाद मरियम कहती है बिलावल हम अब कभी नहीं लड़ेंगे, चाहे कितने भी इख्तलाफ हो, हम भाई बहन है तो वो भाई बहन, और वो सब कुछ जातियात, ये चीजें, अफसोस होता है कि आप अपने जाति मफादात के लिए, सियासत के लिए इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते। तो पीडीएम का इत्तेहाद शुरू से ही तजिया निगारों ने कह दिया था कि कभी अच्छा फैसला नहीं है से इस्तीफा न देना। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करती हूं, फैसला अच्छा है, लेकिन पीडीएम के हवाले से जो स्टेटमेंट्स देते रहते बिलावल जरदारी, ये अवाम नहीं भूलेगी।
कह चुके थे कि बिलावल का भी आप अपने प्रोग्राम में क्लिप चला सकते हैं कि बिलावल ने कहा था कि फला दिन हम इस्तीफे दे देंगे, हम इस्तीफे देने वाले हैं, हम इस्तीफे. जब आप एक चीज कह रहे थे उसके साथ चल रहे थे, अब आपके अंदरूनी क्या कमिटमेंट हुई थी, बाहर अब आपके क्या. लेकिन कहा ये पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इस्तीफों का था ही नहीं, हम लॉन्ग मार्च के लिए फुल तैयारियां कर चुके थे, सारे इंतजाम कर चुके थे, ये अचानक इस्तीफा. अब ये वो जाने और वो जाने कि उनकी अंदरूनी कहानी क्या है बाहर, लेकिन आवाम को इनके दोनों चेहरे, तीनों चेहरे सब दिख गए. और दूसरी बात ये कि हाँ, असेंबलियाँ चलनी चाहिए, ऐवानों में बैठकर, ऐवान के अंदर बैठकर आवाम के मसाइल की बात करनी चाहिए. रोडों की सियासत भी चलती रहती है, लेकिन ऐवान मजबूत होने चाहिए, पार्लियामान मजबूत होना चाहिए, उसकी मजबूती के लिए उसके अंदर बैठकर आवाम के लिए लड़ें और आवाम के मसाइल को लेकर आएं. यही मेरे ख्याल में जमहूरियत की बका भी है. आप बहुत अरसे से ऐवान में हैं. पहले जो ऐवान चलते थे, रूल ऑफ प्रोसीजर, ज़ाब्ता अख़लाक और ये सारी चीज़ें, अब वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही. आपको कैसा लग रहा है? पहले रूल ऑफ प्रोसीजर पे अमल किया जाता था और असेंबली का जो है वो रूल ऑफ प्रोसीजर का किताब उठा के बंदे एक एक घंटे तक जो है ना एक एक चीज़ की वजाहत करते थे. शेख साहब आज जो है वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है. गुलशन शेख साहब, आपने दिल की बात की और मेरे अंदर से एक जो ठंडी सांस निकली है ना, ये इसी वजह से है कि मैं वाकई, मेरा तीसरा टेन्योर है और जब मैं पहले टेन्योर को और दूसरे को याद करती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है. दूसरे में भी बहुत कमी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म. रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बुक हम सीने से लगाकर लाया करते थे और हर डेस्क पर पड़ी होती थी. और मुझे याद आ रहा है मरहूम रफीक इंजीनियर साहब, गुड, जबरदस्त. आप, मैं हैरान हो जाती थी उस शख्सियत की कि उसको अजबर जबान था, एक एक रूल. और उस वक्त स्पीकर थे निसार खोड़ो साहब, और यकीन माने वो इतना रूल्स ऑफ प्रोसीजर को लेकर चलते थे निसार खोड़ो साहब. वो कहें आरिफ मुस्तफा, आरिफ मुस्तफा, मतलब नहीं, मैं स्पीकर की बात कर रही हूँ कि उसको, उनको पता था कि रूल्स में क्या क्या चीजें हैं. और अगर कोई खड़ा होकर कहे कि सर रूल की वायलेशन हो रही, तो फौरन उसी वक्त हर चीज रोक कर और कहते थे कि ये फलां. और आज वाला जो हमारा सीएम है, ये तो हर एक घंटे के बाद खड़ा हो जाता था कि रूल ऑफ प्रोसीजर की. अब कहां है, अब कहां है, जब अपोजिशन में होते थे. आपने इतनी रूल्स में अमेंडमेंट की, आपने तारीख रकम कर दी, रूल्स की प्रूफ ऑफ प्रोसीजर में बड़ी अमेंडमेंट्स हुई हैं, बड़े अच्छे रूल्स आ गए. अब वो रूल सिर्फ बुक्स के अंदर रह गए हैं. हमारा प्राइवेट डे के अंदर हमने इतनी चीजें डाली हुई हैं, वो नहीं आती रूल्स के हवाले से. शेख साहब, आपने मेरे दिल की बात कही, असेंबली रूल्स पे नहीं चल रही, असेंबली बहुत खराब, माहौल बहुत खराब हो चुका है. पहले एक तरीके से चलता था, आजकल देखिए अगर असेंबली का इजलास चलता है तो उसमें जो प्राइवेट मेंबर डे का डे ही नहीं आता है. क्यों? वो डे आता है, लेकिन वो डे हमारा जो डे है वो उसको बिल्कुल हाईजैक कर लिया जाता है. सबसे अहमियत होती है 7 दिन में से एक दिन होता है प्राइवेट डे, हमारा दिन. मेंबर कहता है मेरा दिन है, मैं अपनी मर्जी से अपना बिजनेस लाऊंगा और मैं वो तमाम इश्यूज, इंतजार करता है कि जो प्राइवेट डे आएगा मैं उस दिन उठाऊंगा. यहाँ तो हम आवाम के मसाइल को हाईलाइट ही नहीं कर सकते. मैं खड़ी होकर अगर कहूं कि मुझे कुछ कहना है तो अव्वल तो माइक नहीं खुलेगा, माइक खुलेगा तो बस हाथ चुप करके बैठे 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 वहां पर आप 2-2 घंटे खड़े होकर, इस तरह नहीं होता. स्पीकर को न्यूट्रल होना चाहिए खुदारा, वो दोनों तरफ बैलेंस रखे. और यकीन माने इस वक्त मुझे, बेशक वो निसार खोड़ो साहब के साथ मेरी कई लड़ाइयां हुई, मेरा कई ऐसे हुए, लेकिन मैं उनको सलाम पेश करती हूँ कि उनकी बेहतरीन चली. सिर्फ हम इस मरतबा ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं करते, लेकिन आपके तरफ भी अपोजिशन में भी कुछ ऐसे मेंबरान आए जिनको रूल ऑफ प्रोसीजर का, मैं तो दावा से कहता हूं ना, जो आपका अपोजिशन लीडर है, अगर उसको रूल ऑफ प्रोसीजर का पता हो, मैं साफ छोड़ दूंगा. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री कर रही हूं. हमारे अपोजिशन में चंद एक मेंबर्स होंगे तीनों पार्टियों से मिला के, सीनियर मोहम्मद हुसैन साहब हैं, हमारी पार्टी में आरिफ मुस्तफा हैं, पीटीआई से 1-2 हैं जो मेहनत करते हैं और मेहनत कर आते हैं, तैयारी कर आते हैं. लेकिन मैं ये समझ रही थी कि अगर एमपीएस 30 MPS बनकर आ गए इस पीटीआई के, तो हम तो ऐसा अपोजिशन मजबूत बनेंगे कि पीपल्स पार्टी. लेकिन पीपल्स पार्टी ने देखा कि हालात वाकई बहुत खराब हैं, मेंबर्स को दिलचस्पी नहीं. और ये होता है लीडर ऑफ अपोजिशन पर सारा जी. अगर वो अच्छा है, वो अपने काम से सीरियस है और वो तीनों पार्टियों को साथ लेकर चलता है और रोजाना के बिजनेस, सबसे बड़ी बात है जो कमेटीज बनी है उन कमेटीज के हवाले से. मैडम अगर अपोजिशन का अपोजिशन लीडर चॉकलेट उठा के साथ लेके आए और मेरा ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए, तो
तो फिर कैसे चले, वो तो एक उनकी हेल्थ के हवाले से, उसको हम इसमें नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन इसके अलावा, अगर इसके अलावा एक ऑपोजिशन लीडर का जो काम है ना, उसको जो हैसियत दी गई है इसमें हमारे कानून में, वो काम करने चाहिए। अगर वो करे, एक शेडो बजट आना चाहिए, रोजाना असेंबली का जो इजलास है उससे पहले एक मीटिंग कॉल करो और उस बिजनेस पर सहरहाल बहस हो और इजलास खत्म होते जैसे पहले चलता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लोगों को बताया जाए, बात होनी। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, मसाइल अब कुछ और हो गए। अब इस तरह के मसाइल जब होंगे तो फिर लाजमी असेंबली में वो काम नहीं होगा जो अवाम के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। शेख साहब आपको भी पता है, बड़ा दिल दुखता है, ये अवाम का पैसा जाया हो रहा है, अवाम का इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा। थैंक यू मैडम। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम पसे आईना का वक्त कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है, और बातें तो बहुत थी, क्योंकि दिल था कि सुबह हो जाए और हम क्योंकि काफ़ी अरसे से हम भी इस फील्ड में हैं और मैडम को भी ऐवान में देखते आ रहे हैं। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम पसे आईना का वक्त ख़त्म होता है, अपने मेज़बान गुलशन शेख को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।